हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। काफी बच्चे होंगे जो पहली बार एम्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि एडमिट कार्ड में मैम वो जो डेट और प्लेस वाली जगह है वहां पर क्या फिल करें, एडमिट कार्ड में वो जो फोटो वाली जगह है वहां पर क्या फिल करें, आईडी प्रूफ कौन सा लेकर के जाए, कौन सा आईडी प्रूफ वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्या हम ड्रेस पहन सकते हैं, क्या हम जीन्स पहन सकते हैं, या फिर हमें नीट की तरह ही कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सभी यहां पर मैं सॉल्व करने वाली हूं इस वीडियो में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेक करें, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है ऑलरेडी, उसका लिंक वहां पर दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आप पहली बार एम्स का एग्जामिनेशन दे रहे हो और आप फेमिलियर नहीं हो कि कैसे कंप्यूटर पर एग्जाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेन और पेपर तो नहीं मिलेगा, राइट? तो अगर पेन और पेपर नहीं मिलेगा तो हम एग्जामिनेशन कैसे देंगे, हम कंप्यूटर पे लॉगिन कैसे करेंगे, आंसर्स को टिक कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाएंगे, ओके? ये सब वहां पर मैंने बताया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो उसके बाद उस वीडियो को देखना, ओके? सो गाइस सबसे पहले आते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी आपकी टेंशन है, जितनी भी कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। एडमिट कार्ड 15 मई को आपके अपलोड हो चुके हैं, उसको आपने आई होप aimsexams.org से डाउनलोड भी कर लिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड की दो कॉपीज लेनी है, ठीक है? दो कॉपीज मतलब दो प्रिंटआउट निकलवाने हैं, उसमें से एक तो आप लेकर के जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहां पर जरूरत होगी, एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी, ठीक है? और एक अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो कि माशाल्लाह जरूर होना चाहिए, मेरी दुआएं हैं आपके साथ जरूर होगा, तो आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको अपना एडमिट कार्ड वहां पर देना होगा। इसलिए आपको दो प्रिंटआउट निकलवाने चाहिए, एक आप एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाओगे और एक आप कहां पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पर जरूरत उसकी पड़ेगी, ओके? उसके बाद एक और चीज, कलरफुल प्रिंटआउट निकलवाइएगा अपने एम्स के एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड का, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ तो थोड़ी पिक्चर जो है आपकी, फोटोग्राफ जो है वो थोड़ी डार्क हो जाए, और अगर डार्क हो जाएगी तो इनवैलिड एडमिट कार्ड माना जाएगा, ओके? सो द एडमिट कार्ड प्रिंटआउट शुड हैव, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपका एडमिट कार्ड जो है उसमें ऊपर यहां पर लिखा होगा आईपी एड्रेस और यहां पे लिखा होगा डेट एंड प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, सॉरी डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि आपने किस कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवाया है, एक तो उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, उस कंप्यूटर का एड्रेस, प्लस आपने किस टाइम पर किस दिन उस एडमिट कार्ड को क्या किया है, डाउनलोड किया है, उसका वहां पर लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एडमिट कार्ड पर डोमेन आईपी एड्रेस और डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे एडमिट कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा, ओके? तो प्लीज ध्यान से देखिएगा ये डिटेल्स वहां पर है या नहीं। उसके बाद प्लीज नोट दैट ओनली ओरिजिनल प्रिंटआउट्स ऑफ एडमिट कार्ड विद प्रॉपरली आइडेंटिफाइएबल डिटेल्स, जो आपके एडमिट कार्ड्स है ना उनका ओरिजिनल प्रिंटआउट ही होना चाहिए, उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली दिखनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, अच्छा ये फोटोग्राफ है, अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो प्रॉपर एक एक वर्ड दिखना चाहिए, कोई भी डिटेल छुपनी नहीं चाहिए, ओके? हो सकता है आपकी ये पिक्चर है, आपकी ये फोटो है और आपने जब प्रिंटआउट निकलवाया तो इंक खत्म हो गई, या फिर जो प्रिंटर है उसने थोड़ी बहुत लाइंस बना दी प्रिंटिंग के टाइम पे, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है? तो ट्राई करना बिल्कुल स्मूथ प्रिंटआउट निकले, ओके? उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्लियर प्रिंटआउट ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ, जो आपकी फोटोग्राफ है उसका क्लियर प्रिंटआउट होना चाहिए, ओके? अगर आप फोटोकॉपी कराते हो या फिर इम्प्रॉपर डिटेल वहां पर दिखती है, यानी कि डिटेल सही से नहीं प्रिंट की हुई है, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आप अगर मुझसे पूछो कि इम्प्रॉपर प्रिंटिंग क्या है, इम्प्रॉपर प्रिंटिंग का मतलब है अगर थोड़ा सा भी डार्क है, ठीक है? अगर आपका एडमिट कार्ड है और उसमें ज्यादा डार्क लिखा हुआ है सब कुछ, पूरी फोटो छुप गई है, काली काली हो गई है पूरी फोटो, ज्यादा डार्क कलर आ गए, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल कलर्स वाला ही एडमिट कार्ड आप निकाल कर ले जाएं, एक दो कॉपीज निकालें, दो तीन कॉपीज निकालें, कोई ना कोई तो सही आई जाएगी, जो आपको लग रहा हो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से दिख रही है वो आप लेकर के जाएं, ओके? उसके बाद आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है एडमिट कार्ड पे कि आपका नेम, आपकी आईडी और जो दूसरे डिटेल्स है, फोटोग्राफ वगैरह, ये सब सही है या नहीं। इनकेस अगर इनमें से कोई भी डिटेल गलत निकलती है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलती है, इन्होंने गलत फिल किया है, तो आप क्या करोगे, आप एम्स की आईडी पर, ईमेल आईडी पर
जो कि एम्स के कंट्रोलर की आईडी होती है, एग्जामिनेशन की आईडी होती है, उस पर आप ईमेल भेजोगे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तब आपने एक आईडी लिखी होगी, एक ईमेल आईडी इनको दी होगी, उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना है विद ऑल डिटेल, जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं। इमीजिएटली अगर कोई गलती है एडमिट कार्ड में इमीजिएटली उसको मेल करें, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा, उनको ये लगेगा कि आपकी यही डिटेल है और आप अब मना कर रहे हो। इसलिए आपको मेल जरूर डालना है विद डिटेल, जो गलत है उस डिटेल को भी डालना है और फिर साइड में एरो करके लिखना है द करेक्ट डिटेल इज हेयर। ठीक है, जो करेक्शन है जो करनी चाहिए उन्हें एडमिट कार्ड में वो आपको वहां पर डाल देनी है। उसके बाद फोटोग्राफ का क्या करना है, आपको दो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रखनी है जो कि वाइट बैकग्राउंड में होंगी, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। देखिए नेसेसरी है बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए। ठीक है, दो फोटोग्राफ जिनमें से एक फोटोग्राफ तो आप एडमिट कार्ड पर चिपका दोगे, पेस्ट वन फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, जो एडमिट कार्ड में आपको इतना बड़ा बॉक्स दिख रहा होगा आपकी, जहाँ पे फोटोग्राफ छपी हुई है उसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक ब्लैंक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको अपनी फोटोग्राफ चिपका देनी है। जरूरी नहीं है कि वही जो पिक्चर है वही हो जो आपने एडमिट कार्ड में दी है, जो आपके एडमिट कार्ड में दिख रही है फोटो वही हो, लेकिन रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो आप इस बॉक्स में वो फोटोग्राफ पेस्ट कर दोगे। ठीक है, उसके साथ मैंने क्या कहा, दो फोटोग्राफ, तो एक तो आपने पेस्ट कर दी, दूसरी फोटोग्राफ का क्या करोगे, दूसरी फोटोग्राफ आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जानी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज वहां पर दी गई है कि आप पहले पूरे एडमिट कार्ड को पढ़ेंगे, उसके पूरे कंटेंट्स को अच्छे से समझेंगे और फिर आपको साइन कर देना है डिक्लेरेशन एंड विद डेट एंड प्लेस। आप सब मुझसे पूछ रहे हो मैम वो जो डेट और प्लेस वाली जगह है उसमें क्या फिल करें, सो डेट में आपको ये करना है फिल कि जिस दिन आपने साइन किया, प्लेस में आपको जहां पर आपने साइन किया, जिस जगह पे आपने साइन किया, ये नहीं है बेडरूम में साइन किया, लिविंग रूम में साइन किया, नहीं, जिस प्लेस पे आपने साइन किया आप वो लिखोगे वहां पर, राइट, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट वंस इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब ये आ गई समरी, सिर्फ ओरिजिनल प्रिंट ही चलेगा एडमिट कार्ड का, फोटोकॉपी या फिर बैड प्रिंट नहीं चलेगा। प्रिंट जो है डोमेन आईपी एड्रेस डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रिंटिंग जो है इट शुड बी सच दैट जो फोटोग्राफ है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छे से दिख रही हो और जो बाकी की डिटेल्स है वो भी बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, इवन क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स आर एक्सेप्टेबल। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कराते हो और उसके अंदर आपकी फोटो ज्यादा डार्क नहीं हो रही है, अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ओके, नाउ आपको सारी डिटेल एडमिट कार्ड पर आपकी चेक कर लेनी है कि सही है या नहीं। आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एडमिट कार्ड पर पेस्ट करनी है और कैसी फोटोग्राफ, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। ठीक है, कुछ आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है और फिर साइन कर देना है, घर से ही साइन करके जाना है, उस डेट और टाइम को फिल करना है और घर से ही वहां पर अपनी सिग्नेचर करके जाना है। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो वहां पर क्या लेके जाना है आपको वो मैं आगे बताती हूँ, लेकिन एक फोटोग्राफ ले जानी है वो तो समझ में आ गया, राइट। चलो, अब आइडेंटिटी प्रूफ कौन से वैलिड है। सो आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो सकता है, पासपोर्ट ओरिजिनल एक्सेप्ट हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड जो आपका है वो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, पैन कार्ड जो है जिसके अंदर ओरिजिनल फोटो लगी हुई है वो वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपका ओरिजिनल यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर 12th की नेशनल या फिर स्टेट बोर्ड का जो एडमिट कार्ड, मार्कशीट नहीं, ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट नहीं, उसका एडमिट कार्ड जिसमें आपकी ओरिजिनल फोटो लगी हुई हो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। बट मेरा मानना है कि आप इसके अलावा 12th वाले के अलावा बाकी कोई भी अगर लेकर जाते हैं तो आप सेफ साइड में होंगे। ठीक है, अदरवाइज 12th का एडमिट कार्ड भी विद फोटो, ध्यान रखिएगा, विद फोटो एक्सेप्टेबल है। नीचे आपको सबकी पिक्चर दिख रही है कि ओरिजिनल किस तरीके से दिखते हैं, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपने आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाएं। अब जो आइटम्स अलाउ नहीं है एम्स के एग्जामिनेशन सेंटर में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे कि मोबाइल फोन, पेजर्स, कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा, ये सब अलाउ नहीं है। ओके, अब आप सोच रहे होगे मैम एम्स में कैलकुलेटर मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन कैलकुलेटर नहीं मिलता, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर छोटा सा मिलता है। ठीक है, एनी आइटम केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा आइटम जो कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज सकता है या फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ये सब अलाउ नहीं है। रिस्ट वॉच यानी कि घड़ी अलाउ नहीं है,
क्लॉक अलाउड नहीं है, ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होगी वहाँ पर। उसके बाद जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सभी अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट्स नहीं अलाउ है। लड़कियाँ खासकर ऑर्नामेंट्स ना पहन के जाएँ, किसी तरीके की ज्वेलरी ना पहन के जाएँ, जैसे कि नोज पिन, ठीक है, या इयर रिंग्स वगैरह, ये सब पहन के ना जाएँ। उसके बाद रिस्ट बैंड, गॉगल्स, हेड गियर्स, स्कार्फ्स, जैकेट, ये सब अलाउ नहीं है। ड्रेस कोड वाला सेक्शन नीचे दिखाऊंगी कि क्या क्या अलाउ है क्या क्या नहीं है, लेकिन जो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये अगर लेकर के जाओगे तो एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा, ओके। तो जैकेट, स्कार्फ और आपके जो हेड पर आप कुछ भी पहनते हो वो, ठीक है, गॉगल्स, उसके साथ साथ रिस्ट बैंड, ये सब अलाउ नहीं है। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं वो लगा के जा सकते हैं, उनको अलाउ है, लेकिन जो ये फैंसी गॉगल्स वगैरह होते हैं, सनग्लासेस होते हैं, ये अलाउ नहीं है। पेन, पेंसिल, पेपर, कुछ भी अलाउ नहीं है। पेपर आपके पास सिर्फ एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। कोई भी बुक, कैलकुलेटर, बैग, बॉटल, कुछ भी अलाउ नहीं है। शूज़ अलाउड नहीं है, या फिर ऐसे फुटवियर जिनका जो सोल है वो बहुत मोटा है, थिक सोल है, वो भी आप नहीं पहन कर जा सकते हो। लार्ज बटन जिस कपड़े के अंदर है, बड़े बड़े बटन्स हैं, वो नहीं पहन के जाना है। क्लोदिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एम्बियंट वेदर, अगर गर्मी पड़ रही है, भाई मई में तो गर्मी पड़ेगी, तो अगर गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में अगर आप जैकेट पहन के आ जाओगे तो क्या बात है, तो उसके कोई भी आपको बोलेगा पागल है ये। तो आपको वेदर के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहन करके आने हैं। उसके बाद कॉपिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को कॉपी नहीं कर सकते हो आप, एडमिट कार्ड पर भी किसी भी क्वेश्चंस को नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है, ध्यान देना, एडमिट कार्ड पर भी किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं कॉपी कर सकते हो। एडमिट कार्ड के पीछे आप रफ वर्क कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल उसको कॉपी नहीं कर सकते किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। टॉकिंग, कैनवसिंग, अनरूली और एनी बिहेवियर कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग और डिस्टरप्टिंग द एग्जामिनेशन, आप किसी और से बात नहीं कर सकते, आप बड़बड़ा नहीं सकते वहां पर, अपने आप में बात नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप मुंह खोल के बातें करने लग गए, अपने आप से ही कहोगे मैं तो अपने आप से बातें कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने मन में सोचिए और मन में ही वहां पर आंसर्स भी आपको टिक लगाने हैं, ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आप जैसे सोचते हो ना, अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, नहीं, ऐसे आपको नहीं बोलना है, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, एग्जामिनेशन डिस्टर्ब होगा और ये अनफेयर मींस माना जाएगा। एनी अदर आइटम, इंस्ट्रक्शंस या फिर डिसीजन जो कि ज़रूरी है, या फिर जो आइटम्स नहीं अलाउ है एम्स में, वो आप एम्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो अगर अभी भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देयर विल बी नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल इन मोस्ट सेंटर्स, ज़्यादातर सेंटर्स पे जो आप लेकर के जाओगे अपनी चीज़ें, जैसे कि पैसे हो गए, वॉच हो गई, ये सब, या फिर वैल्यूएबल कोई भी आइटम आपका हो गया, या यानी कि आपकी स्कूटी की चाबियां, ठीक है, आपकी कार की चाबियां, वो सब वहां पर रखने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, तो इसका इंतज़ाम आप पहले से ही करके जाएं, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ड्रेसिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखो, अब आ जाते हैं कि अगर वो सब चीज़ें नहीं लेके जा सकते तो हम क्या पहन के जा सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर, जैसा वेदर है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि अगर गर्मी पड़ रही है, ऑब्वियसली बात है मई में ही होता है हमेशा एग्जामिनेशन, तो गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में आप क्या करोगे, ठंड के कपड़े तो पहन के जाओगे नहीं, तो आप टॉप्स वगैरह पहन के जाओगे, जीन्स वगैरह पहन के जाओगे, ये सब अलाउ है। लेकिन जिनके अंदर बड़े बड़े बटन्स होते हैं वो कपड़े अलाउ नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट है शूज़ एंड कोई भी ऐसा फुटवेयर, शूज़ तो पहली बात अलाउ है ही नहीं, और दूसरी बात अगर आप सैंडल्स भी पहनते हो, अगर आप ऐसा कोई फुटवेयर भी पहनते हो जिसके अंदर सोल्स जो है, जो उसका नीचे का जो पट्टा होता है वो ज़्यादा थिक है, तो वो भी अलाउ नहीं है। हाई हील्स भी अलाउ नहीं है। कैप, स्कार्फ, जैकेट, गॉगल, बेल्ट, रिस्ट बैंड, ये सब भी अलाउ नहीं है, ठीक है। प्लीज़ ड्रेस अच्छे से पहनना, ऐसी ड्रेस पहनना जो कि किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी आगे क्रिएट ना करे, ठीक है। देयर मे बी नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ आइटम्स विच आर रिमूव प्रायो, ठीक है। ऐसे भी कोई भी आइटम जैसे कि पैसे हो गए, स्कूटी की कीज़ हो गई, गाड़ी की चाबियाँ हो गई, इन सबको वहाँ रखने में कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, कोई भी वहाँ पर ध्यान नहीं देगा इन चीज़ों का, तो आपको अपने आप से इनकी प्रिपरेशन करके जानी है कि आप अगर वहाँ पर ले करके जा रहे हो तो कहाँ रखोगे, राइट। चलो, अब बिल्कुल भी गलती मत करना कि छुपा कर ले जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, ऐसा नहीं चलेगा। चेकिंग में पकड़े गए तो गलती मानी जाएगी और बैन भी कर दिए जाओगे एग्जाम देने से, ओके। उसके बाद
अगर कोई रिलीजियस बिलीफ या फिर कस्टम ड्रेस पहनना चाहते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर अटायर के लिए उनको उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाना पड़ेगा, टाइम से पहले जाना पड़ेगा. इफ़ यू डू नॉट कोऑपरेट अबाउट ड्यूरिंग फ्रिस्किंग यू मे नॉट बी एबल टू गेट इन टू द एग्जामिनेशन हॉल. आपको अगर अपनी कोई कस्टम ड्रेस पहननी है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल पे पहले आना पड़ेगा, काफ़ी टाइम पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी चेकिंग अच्छे से की जाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट यू शुड कैरी इन द एग्जामिनेशन. अब देखो बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं कि क्या एग्जामिनेशन सेंटर में चीजें आपको लेकर के जानी है. पहला, ओरिजिनल और क्लियर प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड लेकर जाना है जिसके ऊपर फोटोग्राफ पेस्ट होगी, और आपको साइन करना है डिक्लेरेशन, साइन करना है डिक्लेरेशन, साइन करना है. आई मेरी बात समझ में? डेट और प्लेस ये भी फिल करने हैं, घर से ही फिल करके ले जाने हैं, और साइन भी घर से करके ले जाना है, और फोटोग्राफ भी घर से ही पेस्ट करके ले जानी है. ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था क्या क्या आईडी प्रूफ वैलिड है, उनमें से कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ जो कि ओरिजिनल हो उसको आप लेकर जा सकते हो. एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है एग्जामिनेशन हॉल में जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी. ओके, चलो समझ में आ गई ये चीज. उसके बाद एंट्री जो है एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या होगी. ठीक है, एंट्री जो होगी एग्जामिनेशन सेंटर में वो जनरली आपको टाइम दिया होगा एडमिट कार्ड में, रीचिंग ऑन टाइम, यानी कि आपका जो टाइम लिखा हुआ है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पहुंचना है. नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम. अगर आपकी शिफ्ट फर्स्ट है तो आपको एंट्री क्लोजिंग टाइम जो लिखा हुआ है ना आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, सॉरी एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है. उसके एक मिनट ऊपर भी अगर हो गया तो आपको नहीं एंट्री दी जाएगी. ओके, दोज़ हू अटायर एज रिक्वायर्ड बाय रिलीजियस बिलीफ, जो भी कस्टम ड्रेस पहनना चाहते हैं उनको टाइम से पहले आना पड़ेगा. प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड विद करेक्ट डिटेल एज मेंशन अर्लियर, यानी कि एडमिट कार्ड जो है सही डिटेल्स हैं या नहीं वो सब आपको देखनी है. ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको देखना है ध्यान से कि वो भी आपको वहाँ पर ले जाना होगा, एडमिट कार्ड ले जाना होगा, आईडी प्रूफ ले जाना होगा. कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम यानी कि जो भी नॉट अलाउड आइटम्स हैं उनको नहीं लेकर के जाना है. कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रेस, यानी कि ये देखा जाएगा कि आपने वो ड्रेस पहनी है या नहीं जो उनकी रिक्वायरमेंट से मिलती है या नहीं. अगर आपने जैकेट पहन लिए तो बाहर निकाल दिए जाओगे, वॉच पहन लिए तो बाहर निकाल दिए जाओगे, कहा जाएगा वॉच निकालो तब अंदर आ सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद है कोई भी अगर दूसरी रिक्वायरमेंट है दैट मे बी डिसाइडेड बाय एम्स फॉर्म एग्जीक्यूटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव. अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है तो बता दी जाती है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई खास ड्रेस कोड नहीं है. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मना की गई हैं जैसे कि वॉच, जैकेट, कैप, गॉगल्स, ऐसी चीज़ें नहीं पहन कर आनी है. फुल स्लीव्स पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, ब्रोचेज नहीं होने चाहिए, ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ओके, चलो एक और चीज़ यहाँ पे जरूर पढ़ लो. द कॉमन रीजन फॉर बीइंग डिनाइड एंट्री आर रीचिंग लेट आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम. जो कॉमन रीजन होता है बच्चों को एंट्री नहीं दी जाती है वो ये है क्योंकि वो टाइम के बाद आते हैं. एंट्री का टाइम अलग होता है, एग्जामिनेशन शुरू होने का टाइम अलग होता है. तो आप मेक श्योर करें एडमिट कार्ड पर देखें कि एंट्री का टाइम कौन सा है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप एंटर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में. ठीक है, उसके बाद रफ वर्क कहां पर करोगे. यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड एंड रफ शीट प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क. अगर कोई रफ शीट मिलती है तो आप उस पर अपना रफ वर्क कर सकते हो, या फिर एडमिट कार्ड के पीछे ही आप अपना रफ वर्क कर सकते हो. इट इज मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड. आपको वहां पर आपका एडमिट कार्ड रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर कोई रफ शीट मिलती है तो वो भी आपको वहां पर रिटर्न करनी पड़ेगी एंड साइन वेयर एवर दे नीड. ठीक है, जहां पर भी साइन आपसे बोला जाए आपको वहां पर साइन करना है. यूज द, आप देखो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर. फेलियर टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड रफ शीट एंड साइनिंग एज रिक्वायर्ड में रिजल्ट इन योर आंसर्स नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड. अगर आपने एडमिट कार्ड उनको वापस नहीं किया, अगर आपने रफ शीट वापस नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, तो प्लीज वापस कर लीजिएगा वरना आपके आंसर जो है इवैल्यूएट नहीं किए जाएंगे. ओके, चलिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ऑल कैंडिडेट शुड बी सब्जेक्टेड टू फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एक्सेट्रा. दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सभी को पता है, कंसिस्टिंग जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको. आप मॉक टेस्ट दे सकते हो अपने आप को फेमिलियर बनाने के लिए, लेकिन
इतना टाइम नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दो अभी क्लास दे पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दी है मैंने, उस पर आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लॉग इन करोगे, किस तरीके से काम करोगे। कीबोर्ड का यूज मत करना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिलेगा, माउस से उसी कीबोर्ड से काम करना, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज चेक इफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द करेक्ट सब्जेक्ट इज विजिबल इन, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बायोलॉजी के अलावा कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको जल्द से जल्द इनविजिलेटर को बताना है, ओके। तो वो आपको चेंज कर देंगे, क्वेश्चन चेंज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बुकमार्क शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड, अगर आप किसी क्वेश्चन को बुकमार्क कर देते हो तो वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको प्लस वन मार्क मिलेगा, जबकि हर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए 1/3 मार्क जो है वो क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर रहिए। ऑल आंसर्स दैट हैव बीन मार्क्ड फॉर रिव्यू, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि रिव्यू में रख दिया गया है और बाद में उसे सेव नहीं किया गया है, तो उसको अनआंसर्ड ही माना जाएगा, ओके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे कमेंट करोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर कोई भी डाउट है। विद दैट इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके एम्स एग्जामिनेशन के बाद।